हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जिसको खाकर आपको मजा आने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेशल टेस्टी रेस्टोरेंट ढाबे स्टाइल पनीर टिक्का की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये स्वादिष्ट रेसिपी। आज हम अपने किचन में स्पेशल रेस्टोरेंट ढाबे स्टाइल पनीर टिक्का बनाएंगे। पनीर टिक्का खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए हम सबसे पहले पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए जो मैंने सामान लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने एक कटोरी दही लिया है। दही को सबसे पहले हमने एक पोटली में बांध के रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हमें थिक दही चाहिए और एक टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है, एक से ज़्यादा टेबल स्पून चाट मसाला है और एक टेबल स्पून कसूरी मेथी है और एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर है, एक टेबल स्पून देगी मिर्च पाउडर है, दो टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, नमक अपने स्वाद अनुसार लेना है और एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और एक टेबल स्पून गर्म मसाला है और 3 से 4 चम्मच रोस्टेड बेसन है। और यहाँ पर हमने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, इनके बीज निकाल लिए हैं और इनको अच्छे से हमने कट कर लिया है। और यहाँ पर 2 शिमला मिर्च लिए हैं, इसका भी हमने बीज निकाल लिया है। और ऐसे ही हमने प्याज का भी किया है, प्याज को हमने इस तरह से छल्लों में काट लिया है। और ये 1 किलो के करीब पनीर है, पनीर को भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। पनीर के साइज हमें इसी तरह रखने हैं, अगर हम इसका साइज छोटा रखेंगे तो ये टूटकर बिखर जाएगा और जिस स्टिक में हम चढ़ाएंगे उसमें चढ़ेगा नहीं, इसीलिए हमें इसी साइज का पनीर लेना है। तो चलिए अब हम मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम दही डाल रहे हैं कटोरी, और कसूरी मेथी इसको अच्छे से क्रश करके डालना है। गरम मसाला ऐड करेंगे अब, एक टेबल स्पून नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे अब, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इससे हमारी जो बैटर है वो थिक हो जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, कलर डालेंगे। हमें इसको रेस्टोरेंट ढाबे स्टाइल बनाना है तो इसीलिए हम कलर ऐड करेंगे, और आप इस कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ से हमें मिक्स करना है इस तरह से। अब हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल है, ये करीब 1 कलछुल के बराबर है, इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। और अब हम इसको ऐड करेंगे। अब इसको हाथ से नहीं, इसी तरह से हमें मिक्स करना है। आप चाहे तो इसका मसाला टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर पनीर के टुकड़े हमने डाल दिए इसमें तो वो फिर हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें हम 1 नींबू डालेंगे, अगर दही आपका खट्टा है तो आप इसको नहीं डालें। Thank you.
इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब इसमें हम पनीर के पीसेस डालेंगे। और टमाटर, प्याज और कैप्सिकम डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आराम आराम से करना है, पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, नहीं तो इसमें टूट जाएंगे ये। इस तरह से मिक्स करना है कि ये कोटिंग सबके ऊपर आ जाए अच्छे से। अब हमने सब सामान अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसको 30 से 40 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आप चाहे तो फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो। अब 35 से 40 मिनट हो गए हैं मैरिनेशन को। अब हमारा पनीर टिक्का अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको स्टिक पर चढ़ा लेते हैं। सबसे पहले हम प्याज लेंगे। अब टमाटर, अब शिमला मिर्च का पीस, अब पनीर, फिर से हम प्याज लेंगे। फिर से एक स्लाइस टमाटर की लेंगे हम। इस तरह से अब इस तरह से हम फिर से प्याज लगाएंगे और शिमला मिर्च का एक पीस और टमाटर का। अब हम एक साइड में रख देंगे। अब मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। ये हमने प्याज लिया है, इसके बाद एक टमाटर लिया हमने, और हमने अब ये है कैप्सिकम। अब एक पीस हमने पनीर का लिया है। फिर वापस से एक पीस हमने प्याज का लिया है। ये टमाटर का एक पीस लिया हमने और एक पीस कैप्सिकम का, और अब पनीर का लिया हमने एक पीस और इस तरह से मैं सब बना लेती हूँ। और मैं आपको तवे पे भी बताऊँगी किस तरह से बनाना है, और मेरे पास एक भट्टी है उसमें भी मैं बताऊँगी आपको किस तरह से सेकना है इसको। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और तवा चढ़ा दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी एडिबल ऑयल ले सकते हैं। अब इस तरह से हम घुमा घुमा के सेकेंगे इसको। इस तरह से आराम आराम से हमको धीरे धीरे सेकना है। पनीर हमारे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं।
इस तरह से घुमा घुमा के सेकना है हमको। मीडियम फ्लेम पर हमें सेकना है। गाइस बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये बनाना बहुत ही आसान है। देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। सेकना इस तरह से हमें धीमी धीमी आंच पर। थोड़ा थोड़ा बटर हम लगाते जाएंगे इसके ऊपर। हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है ताकि हमारा अच्छे से कुक हो जाए। गाइस हमारा पनीर टिक्का रेडी हो गया है और अब मैं आपको भट्टी पे भी सेक के दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए गाइस मैं अब आपको भट्टी में सेक के दिखाती हूँ। ये हमारे पास भट्टी है, इसमें मैंने कोयले को जला लिया है। थोड़े से कोयले थे मेरे पास, अब मैंने मेरे पास ये स्टील की स्टिक है, इसके ऊपर मैंने ये सब लगा लिया है। अब मैं आपको इसको सेक के दिखाती हूँ। अब हमारे पनीर टिक्का अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे। रोस्ट पनीर टिक्का खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मैंने आपको दो तरीके बता दिए किस तरह से बनाना है। मेरे पास भट्टी है तो मैं इस भट्टी में ही बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पे सेक सकते हैं अच्छे से। इस तरह से राउंड करके घुमाते रहेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे ये स्मोक हो रहे हैं। गाइस हमारे पनीर टिक्का अब अच्छे से तंदूर हो रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगे। इस तरह से और घुमा घुमा के हम इसको अब सेकते जाएंगे। देखिए अभी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। इसको इस तरह से निकालना है। अब ये जो लकड़ी की स्टिक था उसका है ये। अब मैं पूरी तरह से आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। गाइस हमने अब प्लेटिंग कर ली है और अब मैं इसमें चाट मसाला थोड़ा ऐड कर रही हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे ये बहुत ही टेस्टी बना है। और आप बताइए आप अपने घर पे कब ट्राई कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आ सकूं।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।